सच के साथ। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा और मांग किया कि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और खाद्य पदार्थों का सामान महंगा हो रहा है, इससे जनता बहुत परेशान है। हम जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार को महंगाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोरोना महामारी के बाद पूरा व्यापार पूरी तरीके से ठप हो गया है और तेजी से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अगर महंगाई पर निरंतर अंकुश नहीं लगाया गया तो आदमी की एक वक्त की रोटी चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को बढ़ती महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। वो पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के मूल्य में गिरावट करनी चाहिए ताकि जिससे लोगों का व्यापार भी सुचारू रूप से चल सके और महंगाई पर भी रोकथाम लगाई जा सके। क्योंकि जो मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम को कम किया जाए, सरसों तेल वगैरह के जो दाम बढ़े हुए हैं उसको कम किया जाए और फ्लैट रेट बुनकरों, पावर लूम बुनकरों को जो बिजली के फ्लैट रेट अभी तक हल नहीं हो पाए उसको तत्काल हल। सच के साथ।